क्योंकि मीडिया को इसमें क्या इंटरेस्ट है, अखबार वाले ये जो खबर छाप रहे हैं इसके लिए उनको पैसा मिल रहा है। मीडिया में काम करने वाले मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, दिल्ली में एक बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार है, उसका एक एडिटर है जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने उसको एक दिन पूछा कि तुम्हारे अखबार में 15 दिन से हर दिन हेडलाइन छप रही है कि स्वाइन फ्लू पुणे में फैल गया, स्वाइन फ्लू वहां फैल गया, स्वाइन फ्लू वहां फैल गया, 11 मर गए, अब तक इतने प्रभावित हो गए, ये जो खबर तुम दे रहे हो इस खबर में तुम मुझे कोई 1, 2, 3, 10, 20, 50 लोगों के नाम दे दो, पते दे दो जिनको स्वाइन फ्लू हो गया है, मैं उनके घर वालों से मिलना चाहता हूं। तो कहने लगे वो नहीं है हमारे पास। मैं पूछा फिर खबर कैसे छाप रहे हो, कहने लगा खबर तो ऊपर से आ रही है। मैं बोला ऊपर से कहां से आ रही है, तुम्हारे ऊपर कौन है? तो उसने कहा मैं तो एडिटर हूं लेकिन मेरे ऊपर अखबार का मालिक है। आप जानते हैं एडिटर मालिक के नीचे होता है। कहने लगा मालिक के यहां से खबर आ रही है और मालिक के यहां से यह आदेश आ रहा है कि यह पहले पेज पर खबर लगनी चाहिए और ऐसी जगह लगनी चाहिए जहां सबकी नजर पड़ती है। फिर मैंने पूछा इसमें खास बात क्या है जो पहले पेज पर लगनी चाहिए? तब उसने कहा इस खबर के साथ चेक भी आता है, ड्राफ्ट भी आता है, पैसे आते हैं, और जितने ज्यादा बड़े अमाउंट का चेक आता है उतने ही बोल्ड लेटर्स में हम इसको छापते हैं। फिर मैंने पूछा भाई तू ये बता कि कौन देता है ये चेक और ड्राफ्ट? तो उसने कहा एक कंपनी देती है। वो कंपनी कौन है? तो उसने तो मुझे नाम बता दिया, मैं नहीं बताऊंगा आपको। उसने कहा कि एक अमेरिका की कंपनी है, वो हमको चेक देती है, ड्राफ्ट देती है। उस कंपनी का क्या इंटरेस्ट है कि तुमको खबर छापने के लिए पैसा दे रही? तब उसने मुझे बताया, मैं तो हैरान हो गया। उसने कहा कि ये सब खबर जो छप रही है अखबारों में ये प्रायोजित है। प्रायोजित खबर का मतलब समझते हैं, एडवर्टाइजमेंट, जैसे जाहिरात छपता है ना, तो जाहिरात के रूप में खबर छपती है, खबर ही जाहिरात होती है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? खबर ही जाहिरात होती है और खबर को जाहिरात की तरह से छापा जाता है क्योंकि उसके लिए पैसा आता है, और जास्ती पैसा आता है तो पहले पेज पे छापते हैं, कम आता है दूसरे पेज पे छापते हैं और कम आता है तीसरे पेज पे छापते हैं। किस पेज पर छपेगा वो पैसे से तय होता है। और ये जो एडिटर है ये कोई साधारण अखबार का एडिटर नहीं है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाले अंग्रेजी अखबार का एडिटर है, और वो एडिटर का मालिक उसको आदेश दे रहा है कि ये छपना चाहिए, इसके साथ इतना चेक है, इसके साथ इतना ड्राफ्ट है। तो आप समझ लीजिए कि मीडिया में ये जो छप रहा है ये पैसे की ताकत से छप रहा है, इसमें सच्चाई नहीं है। फिर उसने जिस कंपनी का नाम लिया, मैंने उसको खोजना शुरू किया तो सारी बात समझ में आ गई, ये वही कंपनी है जो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है। उस दवा का नाम है टैमीफ्लू। तो ये जो टैमीफ्लू नाम की दवा बनाने वाली कंपनी है, मैंने इस कंपनी का सारा हिस्ट्री निकाला तो 10 साल से ये औषध बना रही है टैमीफ्लू, लेकिन 10 साल में दुनिया में कहीं भी स्वाइन फ्लू फैल नहीं रहा है। दवा बन रही है, बीमारी नहीं फैल रही। अब देखो इस बच्चे को भी समझ में आ गई बात। अब आप सोचो दवा बनती जा रही है, हर साल प्रोडक्शन हो रहा है, गोडाउन भर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, गोडाउन भर रहे हैं, बीमारी फैल नहीं रही है तो दवा बिक नहीं रही है। और उस कंपनी के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हमारे पास लाखों लाखों नहीं 10-10, 20-20 लाख टैबलेट्स एक एक देश के गोडाउन में डंप पड़ी है। 30 देशों में उस कंपनी का बिजनेस है। भारत जैसे देश में उनकी लाखों टैबलेट्स डंप पड़ी है पिछले 10 साल से, और स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है। तो उनको अभी ये स्टॉक खाली करना है। ये स्टॉक खाली कब होगा? बाजार में दवा बिके। बाजार में दवा कब बिकेगी? जब आप जैसे लोग वो दवा खरीदें। आप दवा कब खरीदोगे? या तो आपको स्वाइन फ्लू हो जाए तब खरीदोगे, या उसका डर इतना हो जाए स्वाइन फ्लू का कि आपको मरने की बात समझ में आने लगे तब आप दवा खरीदोगे। दो ही कंडीशन है, आप दवा खरीदो। तो उस कंपनी ने यह अभियान चला दिया। अभियान यह चला दिया कि डर पैदा कर दो, मरेगा तो कोई नहीं क्योंकि बीमारी नहीं तो मरेगा क्या, वायरस इन्फेक्शन होगा नहीं क्योंकि वायरस ही नहीं है, इन्फेक्शन क्या होगा। तो कंपनी को एक बात तो पक्की मालूम है कि ज्यादा लोग इस बीमारी में फंस नहीं सकते और ज्यादा लोग मर भी नहीं सकते। हां यह जरूर है कि करोड़ों लोगों के मन में डर आ जाए, दहशत आ जाए, आतंक पैदा हो जाए तो वो डर के मारे टैमीफ्लू खरीद खरीद के अपने घर में भर के रखें, बाद में बीमारी हो या ना हो लेकिन खरीद लें आप, बाजार से दवा उनकी बिक जाए, यही उनका उद्देश्य है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कंपनी अखबारों में पैसे खर्च कर रही है। अब अखबारों में 10-20 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए खबर छपवाने के लिए, और दवा उनकी 3,000 कोटी की बिक गई, तो धंधा कितना अच्छा है। 10 कोटी खर्च किए, 3,000 कोटी का माल बिक गया। ये टैमीफ्लू बेच रही है जो अमेरिका की कंपनी है। इसी कंपनी ने स्वाइन फ्लू बीमारी का वैक्सीन बनाना शुरू किया है, इसी कंपनी ने, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनको ऑर्डर भी दिया है। अमेरिका की और दुनिया की ये अकेली कंपनी है जिसके पास पेटेंट है, और पेटेंट भी 20 साल का है। मतलब क्या है, 20 साल तक ये अकेली कंपनी वैक्सीन बनाएगी स्वाइन फ्लू का और बाजार में बेचेगी, दूसरी कोई कंपनी नहीं बना सकती, पेटेंट का कानून ऐसा होता है। और 20 साल तक टैमीफ्लू दवा को भी यही कंपनी बनाएगी और बेचेगी, दूसरी कोई नहीं बना सकती। जब एक कंपनी दवा बनाने वाली हो तो वो मनमानी कीमत पे दवा बेचेगी क्योंकि दूसरा उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जब अकेली कंपनी है वैक्सीन बनाने वाली तो भी मनमानी कीमत पे बेचेगी। तो इस कंपनी ने तय किया है कि उनका एक वैक्सीन का फाइल 3,000 रुपए में वो बेचेंगे, तो 3,000 रुपए में उनका वैक्सीन बिकेगा अभी थोड़े दिन में बाजार में। अब इसको खरीदेगा कौन? वही खरीदेंगे जिनको डर है मन में कि स्वाइन फ्लू हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है। अब ये डर हिंदुस्तान में तो बहुत लोगों को है, लेकिन जिनके पास पैसे ही नहीं है
उनके डरने से फायदा भी नहीं है। यह डर तो झारखंड में भी है लोगों को, यह डर तो बिहार में भी है, बंगाल में भी है, लेकिन उस कंपनी को कोई मजा नहीं है झारखंड बिहार बंगाल में। वो कहते हैं कि वहां डर हो भी तो क्या फायदा, किसी के पास 3,000 रुपए तो हो वैक्सीन खरीदने के, क्योंकि झारखंड बंगाल बिहार के लोग कहेंगे कि 3,000 रुपए हो तो हम तो चावल खरीद के खाएंगे, वैक्सीन खरीद के क्यों लगवाएंगे। अब ये 3,000 रुपए का एक वैक्सीन कौन खरीद सकता है, ये पुणे कर खरीद सकते हैं, क्योंकि पुणे में रहने वाले लोगों के पास थोड़ा अभी जास्ती पैसा आ गया। आपको मालूम है पिछले 8-10 साल से पुणे में बहुत पैसा आया, आप जानते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, विदेशी पूंजी निवेश हुआ, फिर देशी पूंजी निवेश भी हुआ, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी आया, और हिंदुस्तान में इस समय किसी एक शहर में हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है पर ईयर तो वो पुणे है। दूसरे नंबर पे बेंगलोर अभी है, पहले एक जमाने में बेंगलोर होता था, अब पुणे नंबर एक पे है। एक जमाना होता था कि मुंबई में इन्वेस्टमेंट होता था, अभी मुंबई किसी की पसंद की जगह नहीं है, क्योंकि मुंबई में एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं है। जहां एक्सपेंशन हो सकता है वो वही जगह है जहां जमीन खाली हो। पुणे मुंबई के बीच में बहुत जमीन खाली है, पुणे सतारा के बीच में बहुत जमीन खाली है, सतारा सांगली के बीच बहुत जमीन खाली है, इसलिए ज्यादा डेवलपमेंट यहीं हो रहा है, पैसा यहीं आ रहा है। जहां ज्यादा पैसा आता है वो पैसा समाज में घूमता है, और वो घूमने के बाद लोगों की क्रय शक्ति बढ़ा देता है, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। पहले पुणे के लोग अपनी जिंदगी चलाते थे 5,000 रुपए महीने में, अब उनकी जिंदगी चलती है 15,000 रुपए महीने में, 20,000 रुपए महीने में। तो ये जो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है पुणे की, इसकी माहिती कंपनी वालों को है, क्योंकि उन्होंने सर्वे करा लिया। ये स्वाइन फ्लू की माहिती लाने से पहले उन्होंने सर्वे कराया पुणे का, पिछले साल दिसंबर नवंबर में सर्वे होकर उनको पता चला बहुत कैपेसिटी है, बहुत पैसा है पुणे के लोगों में, और वो खर्च कर सकते हैं। बस एक ही बात है, दहशत पैदा हो इनके मन में, डर पैदा हो जाए इनके मन में, आतंक पैदा हो जाए इनके मन में, तो वो डर दहशत और आतंक आप में पैदा करके तैयार कर रहे हैं आपको, क्योंकि थोड़े दिन में उनकी वैक्सीन आ जाएगी, वो वैक्सीन धड़ाधड़ आप खरीदें और लगवाना शुरू कर दें, इसकी तैयारी चल रही है, इसके लिए सारा खेल चल रहा है। मीडिया में 10-20-50 कोटी रुपए खर्च करके कंपनी हजारों कोटी का बिजनेस करने का सपना देख रही है। उस कंपनी ने हिसाब निकाला है कि मान लीजिए पुणे में 40 लाख लोग रहते हैं या 45 लाख लोग रहते हैं, और एक व्यक्ति 3,000 रुपए का वैक्सीन खरीदे तो 45 लाख में 3,000 का गुणा करो, कितनी बड़ी रकम उस कंपनी को मिलती है एक ही शहर से। और ये हजारों कोटी की रकम अगर मिलती हो 10 कोटी खर्च करके तो क्या बुरा धंधा है, ये खेल है। और ये खेल पता है उस कंपनी को किसने बताया, ये कंपनी के अधिकारियों को थोड़े दिन पहले की एक माहिती हुई पुणे के बारे में, और वो माहिती ये है कि पुणे वाले बहुत वैक्सीन लगाते रहते हैं, लगवाते रहते हैं। हाँ, यहां पे वैक्सीनेशन का काम ऐसे चलता है जैसे दूध और दही बेचने का काम चलता है। हमारे पुणे में अभी थोड़े दिन पहले मास वैक्सीनेशन का कैंपेन चला, हेपेटाइटिस बी, याद है हर गली मोहल्ले चौराहे में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगता था। रोटरी क्लब, लाइन्स क्लब, रोटरेक्ट क्लब, लाइनेस क्लब, जैन संगठन, फलाना संगठन, धिमाका संगठन, जितनी सहकारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, सबका एक ही काम था, वैक्सीनेशन करो, वैक्सीनेशन करो। क्या हो रहा है, हेपेटाइटिस बी आने वाला है, हेपेटाइटिस बी आने वाला है, हेपेटाइटिस बी आने वाला है। सबसे जास्ती वैक्सीन बिका पुणे में। हम लोगों ने इस हेपेटाइटिस बी के मामले पर एक मुकदमा किया था बंबई हाईकोर्ट में, और जब मुकदमा किया तो अदालत ने आदेश दिया कि इसकी जांच करो, माइक्रो लेवल पे, सूक्ष्म स्तर पे जांच करो। जब जांच हुई तो पता चला कि हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी भारत में होती ही नहीं, बीमारी होती है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए माने पी लिया, काविड़ कहते हैं मराठी में आप, तो ये सामान्य काविड़ जो होता है वो हेपेटाइटिस ए है। ये होता है सामान्य रूप से होता है, बारिश के दिनों में तो जरूर होता है क्योंकि पानी में गंदगी आने के कारण ये होता है। तो हेपेटाइटिस ए तो होता है, हेपेटाइटिस बी नहीं होता, और वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का दिलवा दिया आपको। आप में से कितने लोगों ने लगवाया, देखो यही हाथ खड़े कर रहे हैं सबके। और ऐसे ऐसे हजारों लाखों लोगों ने पुणे में वैक्सीन लगवा लिया, दो कंपनियों ने खूब बिजनेस कर लिया, खूब धंधा कर लिया, फिर मुंबई में कर दिया उन्होंने, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर जगह जगह करके हजारों कोटी रुपए लूट लिया। बाद में अदालत का फैसला आया कि जब बीमारी नहीं है तो वैक्सीन क्यों लगाएं, तो अदालत ने आदेश दिया कि अगर कोई मास वैक्सीनेशन कैंप करेगा हेपेटाइटिस बी का तो उसको जेल में डाल देंगे। उस दिन के बाद से सब सामाजिक संस्थाओं ने बंद कर दिया, और उसी दिन से दोनों कंपनियों ने अपना धंधा भी बंद कर दिया। अब वो कंपनी वालों को मैं मिलता हूं, कहता हूं कि भाई अब क्यों नहीं बेचते तुम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, तो उन्होंने कहा कि अब हमें बेचने की गरज नहीं है क्योंकि जितना बनाया था सब बेच लिया हम, अब तो कोई नया वैक्सीन बनाएंगे उसको बेचेंगे, अभी तो हमको हेपेटाइटिस बी बेचने की जरूरत नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी का जैसे पूरे देश में डर पैदा करके, आतंक पैदा करके सारे देश के लोगों को जबरदस्ती ये वैक्सीनेशन करा दिया गया, उसी तरह की तैयारी चल रही है स्वाइन फ्लू का डर आतंक पैदा करके सारे देश के लोगों को जबरदस्ती ये वैक्सीन बिकवाना। अब डर मुझे इस बात का है, दुख इस बात का है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन तो 500-700 रुपए का होता था, कहीं कहीं पे 1,000 रुपए का था, ये स्वाइन फ्लू का 3,000 रुपए का। कंपनी को अंदाजा लग गया है कि 500-700 का वैक्सीन लगवा सकते हैं तो 3,000 का भी लगवा सकते हैं, बस डर बिठा दो कि तुम मर सकते हो, तुमको ऐसा हो सकता है, तुमको वैसा हो सकता है। तो ये सारा खेल जो है, एक अमेरिकन कंपनी जो बेच रही है टैमीफ्लू नाम की दवा और जो बनाने जा रही है वैक्सीन, उसका सारा पैदा किया हुआ खेल है। अब महत्व की बात जो समझने की है वो ये कि अगर हम इस कंपनी के दुष्चक्र में फंसते हैं तो हमारा 1,000 कोटी रुपए का नुकसान होगा आने वाले समय।